नमस्कार, आज हम लोग समझेंगे मिसाइल के बारे में। मिसाइल कई कैटेगरी का होता है, बलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। इसमें क्या अंतर है, हम इसको एक एक करके समझेंगे। भारत के जो मिसाइल के जनक हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। इन्हीं के नाम पे परीक्षण रेंज भी बनाई गई है, जो उड़ीसा के सीमा तट से 10 किलोमीटर दूर यानी बंगाल की खाड़ी में एक है, हिलर द्वीप, वहीं पे बनाई गई है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहीं पे भारत के जितने मिसाइल हैं, चाहे वो आकाश मिसाइल हो या पृथ्वी मिसाइल हो, सौर मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, निर्भया मिसाइल या प्रहार मिसाइल है, सारे मिसाइल के परीक्षण यहीं से किया जाता है। आपको हम दिखाते हैं मैप के थ्रू। यहाँ पे देखेंगे, ये उड़ीसा है, इसी के बगल में बंगाल की खाड़ी में है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। बहुत दुख की बात है कि भारत जहाँ मिसाइल परीक्षण करता है उसके पूरब में अंडमान के ऊपर एक है कोको आइलैंड, जो म्यांमार का हिस्सा है। म्यांमार ने इसको चीन को दे रखा है। चीन यहाँ पे काफ़ी हैवी इन्वेस्ट कर रहा है, जो यहाँ पे सर्वलांस रडार बैठा रहा है। जब भारत यहाँ पे मिसाइल परीक्षण करेगा तो चीन बहुत आसानी से इसको ट्रैक कर सकता है। खैर, वो तो दूसरा टॉपिक है, कोको आइलैंड को कभी हम और समझा देंगे। अभी हम बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को समझते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे पहले प्रयोग जर्मनी ने 1930-1940 के दशक में B-2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल, B-2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल, ये फ्रांस के राजधानी पेरिस पे किया था। उसके 2 दिन बाद ब्रिटेन के राजधानी लंदन पे किया था। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो काफ़ी भारी होता है, इसीलिए ये 300 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर की हो सकती है। पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ करके ये स्पेस यानी अंतरिक्ष में चली जाती है, फिर वहाँ से अपने टारगेट को ये हिट करती है अंतरिक्ष में जाने के लिए। इसीलिए इसमें रॉकेट इंजन लगा होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, और जेट इंजन क्रूज मिसाइल में लगा होता है। रॉकेट इंजन का मतलब यही होता है कि इसमें अपने साथ तो फ्यूल यानी ईंधन तो रखता ही है, साथ साथ ऑक्सीजन भी रखता है। कि जेट इंजन जो होता है वो अपने साथ फ्यूल रखता है, लेकिन ये काफ़ी कम ऊंचाई पे उड़ता है और पृथ्वी के वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेता है। आपको जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो परमाणु बम ले जाने के लिए विकसित किया जाता है। इसका जो वारहेड होता है ऊपर का, ये पेलोड इसको कहते हैं, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज़ यही होता है, क्योंकि जो ये मिसाइल होता है इसको रॉकेट कहते हैं, ये सिर्फ ले जाने का काम होता है, लेकिन जो खतरनाक चीज़ रखी जाती है, चाहे एक्सप्लोसिव हो या RDX हो या बम या कुछ भी रख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े मात्रा में होता है। यहाँ पे कुछ भी भर करके बड़े आसानी से उड़ा सकते हैं। इसके नीचे मिसाइल कंट्रोलर यानी गाइड कर दी जाती है, जहाँ से लॉन्च किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल वहीं पे इसको गाइड कर दी जाती है, और ये जा करके स्पेस में अपने टारगेट को ये हिट कर देती है। इसके नीचे फ्यूल टैंक लगा होता है, इसके नीचे ऑक्सीजन टैंक लगा होता है, फिर इसके नीचे थर्स्ट स्टैंड हीट जनरेट करता है, इसके नीचे टर्बो पंप यानी टर्बाइन जो घुमाने का काम करता है, फिर उसके नीचे इंजन लगा होता है। ये इंजन से ही जो होता है फ्यूल निकलता है। कोई भी मिसाइल को ट्रैक करने के लिए यानी रडार जब भी पकड़ेगा तो उसको हीट से ही ये पकड़ लेगा, तो इंजन का जो होता है यहाँ पे कई फ्लेवर छोड़ देता है, जिससे रडार को पकड़ने में आसानी ना हो। फिर इसके नीचे जो होता है यहाँ पे एंटीना लगा होता है, सैटेलाइट लगा होता है, फिर कई बड़े पैमाने यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। इसको स्टार टेबल बोला जाता है, यानी जहाँ से मिसाइल छोड़ते हैं वो जो होता है उसको स्टार टेबल बोला जाता है। भारत का जो अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल या धनुष मिसाइल है, इसकी कई कैटेगरी आती है, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5 तक है। अग्नि जो 5 है, इसकी मारक क्षमता जो है 5,000 किलोमीटर से लेकर के 8,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी आप ये कह सकते हैं भारत के सबसे दक्षिण पॉइंट, यानी अगर तमिलनाडु से इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसको पूरे एशिया के साथ साथ यूरोप को लेकर के अफ्रीका महाद्वीप के आधे देश इसकी जद में आ जाएंगे। इसका कई रेंज होता है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, हाई रेंज। SRBM जो होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका 300 किलोमीटर से लेकर के 1,000 किलोमीटर की रेंज हो सकती है। उसके बाद से आता है MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये 1,000 किलोमीटर से लेकर के 3,500 किलोमीटर की रेंज हो सकती है। तीसरा जो है वो HRBM यानी हाई रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 5,500 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा होता है।
बैलिस्टिक मिसाइल बहुत भारी होता है, यानी आप कह सकते हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल और 10 क्रूज मिसाइल के बराबर होता है। जो क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल हो जाता है, निर्भया मिसाइल, नाग मिसाइल, पिनाका मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड जो है वो 2.8 मैक का है। मैक नंबर जो है वो साउंड की स्पीड को बताता है। मान लेते हैं 1 मैक नंबर है, इससे कम रहेगा तो सबसोनिक कहा जाएगा। यानी यहाँ पे आप देखेंगे 1 मैक से कम रहेगा तो इसको सबसोनिक कहा जाएगा, अब 1 मैक से ज़्यादा रहेगा तो इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाएगा। जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी स्पीड जो है वो 2.8 मैक का है, यानी ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और हाइपरसोनिक मिसाइल जो होते हैं वो 5 मैक से ज़्यादा होगा। यानी इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल पे आने वाले समय में ये 7 मैक की स्पीड से बनाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल है इस सबसे ऊपर जो होता है यहाँ पे कैमरा लगा होता है, इसके साथ साथ यहाँ से इंफ्रारेड छोड़ता है। दुश्मन के बंकर या किसी टारगेट को हिट करना होता है तो यहाँ पे वेव छोड़ता रहता है। उसके नीचे फिर वारहेड लगा होता है, फिर वही मिसाइल कंट्रोलर यानी गाइड कर दी जाती है। क्रूज मिसाइल होती है एक गाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल होती है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड मिसाइल को आप एक बार लॉक कर देंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे है, दुश्मन देश का फाइटर प्लेन यहाँ पे है, जैसे ही इसको आप लॉक कर देंगे तो भागने का कोशिश करेगा, ये कहीं भी जाएगा इसको बड़ी आसानी से पीछा करके हिट कर देगा। क्योंकि जो फाइटर प्लेन है उसकी स्पीड जो होती है 1500 से 200 स्पीड के बीच में होती है, लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी स्पीड बहुत हाई रेंज है तो इसको बहुत आसानी से हिट कर देता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग ये जहाज को ही मारने के लिए किया जाता है। एक अनगाइडेड मिसाइल होता है, जो भारत का नाग मिसाइल है ये अनगाइडेड मिसाइल है, यानी इसको बंकर पे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जो मूविंग ना हो। किसी भी युद्ध में सबसे ज़्यादा क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल बहुत कम प्रयोग होता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसका टारगेट यहाँ पे है, ये पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ करके स्पेस में जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं जब इस पे टारगेट हिट करेंगे तो दुश्मन देश आंख बंद करके सोया रहेगा, वो भी अपना डिफेंस लगाया रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे डिफेंस लगा है और यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ तक पहुँचेगी तो इसके बड़े आसानी से यहाँ पे आकर के ट्रैक कर लेगा। जैसे ही यहाँ पे ट्रैक करेगा ये अपने कमांड सेंटर पे भेजेगा और वो मिसाइल पे भेजेगा, और यहाँ पे आते आते अपने सीमा के बाहर ही इसको यहीं पे मार के गिरा देगा। लेकिन अगर क्रूज मिसाइल की बात करेंगे, ये बहुत कम हाइट यानी पेड़ के बराबर की ऊंचाई पे उड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ से लॉन्च की जाती है, जब ये यहाँ पे आएगा तब जाकर के इसको पता चलेगा। जैसे ही अपने कमांड सेंटर को भेजेगा तब तक ये अपने टारगेट को बड़े आसानी से हिट कर देगा। जो गाइडेड मिसाइल होता है अपने लक्ष्य को बदलता रहता है, लेकिन अनगाइडेड मिसाइल अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है हमने समझा दिया है। वैसे भारत में कई नाम से मिसाइल आती है, इसमें आप ध्यान देंगे क्रूज मिसाइल में जेट इंजन लगा होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन लगा होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।